मैं आनंद सिंह राठौड़, पास में एक विलेज है केलवा, वहाँ का रहने वाला हूँ। एंड वी ओन स्टड फार्म नोन एज फतेह स्टड फार्म। मैं काफ़ी सालों से मारवाड़ी में इंटरेस्ट रखता हूँ, सिंस 1976। तो आप कैलकुलेट कर ले कितना साल हो गए। मैं रेगुलरली चैत्री का विजिटर हूँ एंड आई हैव रिलेशंस इन जोधपुर एंड मारवाड़ एरिया। उसकी वजह से ये कन्वीनियंट है टू स्टडी द मारवाड़ी हॉर्स। मैं ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी, जिसके पेट्रन है जोधपुर इजाइनस, उसमें लाइफ मेंबर और एग्जीक्यूटिव मेंबर। और यहाँ पर एक छोटी उदयपुर में सोसाइटी, अश्वशक्ति सोसाइटी, आई एम द प्रेसिडेंट इन दैट। तो घोड़ों से काफ़ी सालों से बचपन से जुड़ा रहा और मारवाड़ी को समझता रहा। फॉर्चुनेटली आई हैव गुड मेंटर्स। आज भी मैं, आप देखो मेरी लिस्ट में तो 10-12 अच्छे मेंटर्स मिलेंगे और हम लोग रेगुलरली टच में रहते हैं, समझते रहते हैं, ब्रीड को डेवलप करने में काम करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर अपन देखते हैं मारवाड़ी हॉर्स क्या है, मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं करके ये समझाना चाहूँगा कि दीज आर हॉट ब्लडेड। हॉट ब्लडेड का मतलब ये गर्म प्रदेश के घोड़े हैं, इनको वो एनवायरनमेंट मिलना ज़रूरी है, तभी ये अपनी उस ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। दिस हॉर्स वॉज ब्रेड फॉर वॉर, युद्ध के लिए ही इस घोड़े को बहुत सालों तक ब्रीड करके आज जिस फॉर्म में हमको मिला है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी गॉट एवरीथिंग रेडी ऑन द प्लेट। हमको इसको खाली बचाना है, संरक्षण करना है इसका। बाकी लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत बना बना के यहाँ ले आए, तो ये युद्ध का घोड़ा है, युद्ध के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप एक्साइट करो, ये एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद आप इसको कोई भी काम में ले सकते हो, यू कैन किल हिम ऑल्सो। ये मैंने देखे हैं घोड़े, मेरे पास भी हैं, जो कि गजेंद्र पाल सिंह जी ने ब्रीड करके मुझे दिया है, राजनगीना करके घोड़ा। आप मेरी गारंटी है, उसको वॉल पर डालोगे जाके गिरेगा और मरेगा। तो ये इसका कैरेक्टर है। तो मारवाड़ी को इस हिसाब से, लड़ने के हिसाब से, युद्ध के हिसाब से तैयार किया हुआ। और मारवाड़ी में देखा जाता है कि युद्ध के समय में आपके पास तीन ही चीज़ें हैं, अगर उसमें कोई भी कमी है तो यू हैव टू सफ़र अलॉट, या उसका जो खामियाजा है दैट इज़ डेथ। घोड़ा, तलवार और खुद, अगर ये तीनों में कहीं कमजोरी है तो आपकी डेथ 100% निश्चित है। इसलिए इस पर काम बहुत हुआ है और इसी ने अपने, आप देख ले रहे हो हिस्ट्री में भी, कहीं पे भी, जब तक ये दूसरे अपने आर्म्स एंड एमुनेशन नहीं आए तब तक घोड़े के ऊपर ही फाइट करके और ये प्रोटेक्शन मिला है। जब अपने यहाँ ब्रिटिश आ गए, उन्होंने सोचा कि इस घोड़े को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये फिर फाइट नहीं कर सकेंगे, एंड दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। पर वी आर फॉर्चुनेट कि ये हाइब्रिड कम हुआ और अभी भी बचा हुआ। अगर आज भी अपन ढंग से काम करें तो अपना ओरिजिनल चीज़ है। मारवाड़ी के बारे में कई धारणाएं हैं और हर व्यक्ति की अपनी धारणाएं हैं, क्योंकि जितनी बार आप क्रॉस कराओगे उसकी ब्लड मिक्स होता जाएगा, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। जैसे अगर एक बात करें, अपना काठियावाड़ी नज़दीक का घोड़ा बहुत अच्छा घोड़ा, वो भी हॉट ब्लडेड है। ये अपना जो जालोर रीजन का या बाड़मेर रीजन का जो घोड़ा है, वेस्टर्न राजस्थान, ये अपन मारवाड़ी मालानी के नाम से जानते हैं। देन आप पाकिस्तान में ले लो, जो रावी, ये सिंधी के नाम से जो घोड़े जाने जाते हैं। फिर आगे तक चले जाओ आप, इराक, ईरान, पर्शिया, नॉर्थ अफ्रीका तक, ये सब हॉट ब्लडेड है। तो इस घोड़े में अलग अलग धारणाएं, जैसे मैं एक धारणा बताऊं आपको गुजरात की, वो करीब, मेरा फिगर सही आगे पीछे हो सकता है, दे मूव बाई 54 लाइन्स ऑफ मेयर्स एंड 16 लाइन्स ऑफ हॉर्सेज स्टैलियंस। अपने यहाँ ये धारणा है, अपने यहाँ 16 प्रजाति मानते हैं, उसकी सब लाइन्स है। जैसे एक किसी ने नाम दे दिया, फिर नाम से उसकी ब्रीड आगे लाइन बन गई, वो अलग धारणा है। पर हम लोग, आप मुझे पूछोगे, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, अपनी अपनी मर्जी है। जो मैंने स्टडी किया और जो बिलीव किया वो ये है कि हमारे यहाँ 16 लाइन्स है। 16 में 12 जो गर्म कम है वो काम करने वाले बोलते हैं हम कामकाजी घोड़े हैं, और जो चार हैं बहुत हॉट हैं, गर्म हैं, उनको अपन ऐसे, आप मान लो कि उनको क्रिटिकल काम के लिए यूज़ किया जाए, उनको ब्रीड किया जाए, तो दे आर वेरी गुड। मारवाड़ी घोड़ों में अगर आप स्टडी करेंगे
तो जैसे मैं बोल रहा हूँ 16 लाइंस है, 16 में 12 है कामकाजी और 4 है आपकी जो शोई है, कोई फास्ट है, तेज है, मिजाज की तेज है, दबती नहीं है, उनसे आगे चलते चलते लाइंस आज मार्केट की वजह से, मार्केटिंग करने की वजह से लाइंस लाइंस करने लगे। और पहले भी था साहब, फलाने घोड़ा युद्ध में काम आया, वहाँ से दीवार से कूद गया, उसमें ये कैरेक्टर है, तो वो ब्रीड करते थे, तो वो पहले भी थी, लेकिन आज बाजार हो गया और बड़े सर्कल में। पहले विद इन द विसिनिटी या कुछ आदमी जो राजा के होते थे या लोग जो घोड़े रखते थे जिनको वॉर में जाना, उनको सब पता था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी अगर आप मिस कर गए तो यू हैव टू डाई। तो ज़्यादा जो लाइन लाइन बोल के अभी काम कर रहे हैं वो लोग बाग बाजार की वजह से लाइन्स पे ज़्यादा स्ट्रेस है। और मेरा ये कहना है कि लाइन की वजह से जो कीमती है वही प्रोड्यूस कर रहा है, या जिसको अच्छा मान लिया उस घोड़े में देखो कमियाँ, हम लोग वापस इनको 16 पॉइंट मानते घोड़े में, तो 16 में से 16 आज की तारीख में किसी भी घोड़े में 16 पॉइंट नहीं है, चाहे किसी लाइन का किसी भी बेस्ट से बेस्ट मारवाड़ी को आप उठा के देख ले, मेरे पास भी घोड़े हैं तो 16 पॉइंट का एक भी नहीं है। टू बी वेरी वेरी क्लियर और हम्बल मेरा ये है कि आप लुक फॉर 12, 13, 14 पॉइंट्स, दोज आर वेरी गुड, और आप ब्रीड करो तो अपना जेनेटिक पूल को बड़ा रखो। पैसे के लिए जो जिन लोगों को पैसे की कम ज़रूरत है वो ऐसा ऐसा जीन पूल रखे जो कि कल अपने जीन को मजबूत करेगा। दूसरा मेरा ये भी मानना है कि एक ही घोड़े की सर्विस आप बहुत ज़्यादा हज़ारों घोड़िए मिला रहे हो, फिर अपन इनब्रीड होके अपना जीन पूल को डिटोरेट करेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। तो ये लाइन वाला मामला जो नाम आपके सामने आज आ रहे हैं वो आज इसलिए आ रहे हैं कि बाजार एक मार्केटिंग होगी, एक वैली होगी। पहले इसका यूज़ था, उनको साइलेंटली पता था इस घोड़े का बच्चा है तो ये युद्ध में मेरे को इतना मदद कर सकता है। मारवाड़ी घोड़ा देखो पर्टिकुलरली बना हुआ, पहले खूबसूरती नहीं देखते थे, काम देखते थे, और काम भी था वॉर युद्ध में। जैसे मैं कल आर्टिकल पढ़ रहा था दुर्गादास जी के ऊपर कि वो गुजरात से रवाना हुआ, मुगलों को मालूम था कि हम लोग इनको ट्रेस कर लेंगे, ही इज़ गोइंग टू मारवाड़, बट ही डाइवर्टेड एंड वेंट टू MP। तो देखो गुजरात कहाँ है, मारवाड़ कहाँ है और मध्य प्रदेश कहाँ है। इन घोड़ों में इतनी ताकत क्षमता थी कि ये 100-200 किलोमीटर तो कोई बड़ी बात नहीं। और आज भी मेरे ध्यान में ऐसे घोड़े हैं, जैसे बाल समंद में एक चेटक करके ग्रे घोड़ा है, मेरा चैलेंज है वो 200 किलोमीटर तक आप चलाओ उसको, वो नहीं रुकेगा। और आप वॉर में आज उस घोड़े को काम लो, आपको अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास घोड़ों को वो पीछे रख सकता है। ये ऐसी ब्रीड्स को अपने को प्रोटेक्ट करनी है टू सी। लेकिन अब फॉर्चुनेटली वॉर नहीं है घोड़े के ऊपर, तो अपन इस घोड़े को बहुत अच्छे अच्छे से काम में ले सकते हैं, 10 पैकिंग के लिए, एंड्योरेंस के लिए। पहले ये पिक स्टिकिंग हुआ करता था घोड़ों के ऊपर, जिसमें घोड़ों को वाइल्ड बोर के पीछे चेज करते थे, देन द वाइल्ड बोर विल अटैक, और अटैक होने के बाद वो किल करते थे, डरते नहीं, घोड़े जाते हैं ऊपर। आप हल्दीघाटी में चेटक को देखो, इतना बोल्ड है और इतना है कि वो हाथी के ऊपर चला गया। तो ये मारवाड़ी के लक्षण है। आज की तारीख में आप मारवाड़ी घोड़े को एंड्योरेंस, 10 पैगिंग और दूसरे कोई छोटे स्पोर्ट्स में काम लो। अभी हमने अजीत नांदल करके हरियाणा से हैं, उन्होंने पिछले साल एरिना पोलो कराया था, एंड जो पोलो प्लेयर्स आते हैं जो थोरोब्रेड पे खेलते हैं, इसेड के हम वी आर सरप्राइज, वी आर शॉक कि ऐसी ब्रीड अपने पास है। एरिना पोलो में उसको वॉर का इफेक्ट मिलता है, एंड ही नोज आई हैव टू चेज द बॉल, तो वो उसी वॉर के हिसाब से गर्म होके सब घोड़े चलते हैं, तो गेम ही बदल जाता है। एरिना पोलो इंटरनेशनली वी कैन बीट ऑल ऑफ देम विद दिस ब्रीड। तो इसके हिसाब से, और आप देखो ये जैसे स्पेनिश हॉर्सेज हैं, पेआफ और ये जो करते हैं स्पेनिश राइडिंग स्कूल्स में, अपना घोड़ा सब कर सकता है, एवरीथिंग ही कैन डू, बहुत ईजिली कर सकता है। उन घोड़ों में 6 महीने लगते हैं ट्रेन होने में, अपने घोड़े को 6 दिन लगते, इतना इंटेलिजेंट है ये, कभी भूलता नहीं है, शॉर्ट फुटेड है, इंटेलिजेंट है, और वर्ल्ड क्लास जो इवेंट्स जो चीज़ घोड़ा कर रहा है। फ्लैट रेसिंग में आई वुड से थोरोब्रेड कोई कम्पीट नहीं कर सकता, और थोरोब्रेड की जान भी आप देखो, अगेन हॉट ब्लड जो अरब उसमें डाला है उसी के उसे उसमें स्ट्रेंथ है। तो अपना आवर हॉर्स इज़ केपेबल ऑफ डूइंग। आप देखो आपके हाई स्कूल जो होते हैं, ये इसके जो स्पेनिश स्कूल्स है, वो सब काम अपना घोड़ा बहुत, शादियों में जो डांस कर रहे हैं वो यही तो काम है, दे आर वेरी प्रिसाइज, ढंग से काम कराते हैं। अपने पास वो तरीका नहीं है, उस तरीके में फ़र्क है, बाकी अपना घोड़ा सब कर सकता, बहुत ज़्यादा कर सकता है, वो घोड़े नहीं रुक जाते हैं, उनमें भी यही ब्लड है वो कर रहे हैं,
पर अपने घोड़े में तो प्योरिटी बहुत ऐसा बहुत हाई हाई, इसको आप जितना ऊंचा ले जाना चाहो, जितने तेजाई पे ले जाना चाहो जा सकता है। मारवाड़ी हॉर्स को अगर आज एज अ मार्केट देखा जाए तो मेरा ये कहना है कि देर आर थ्री टाइप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन बिजनेस। जो मारवाड़ी वर्ल्ड में आज जो बिजनेस चल रहा है, एक लोग तो घोड़े की हाइट बढ़ा करके उसका पैसा बढ़ा के लेना चाहते हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं कि सोसाइटी में कहीं पे भी आ जाएं, कुछ सीट पे आ जाएं, कुछ अथॉरिटी बन जाएं, उनको अथॉरिटी के लिए कुछ भी करना पड़े तो दे आर रेडी टू डू। और थर्ड लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एज अ जज, एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, एज नॉलेजेबल पर्सन अपने आप को सोसाइटी में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये घोड़ा आपको जगह दिलाता है उस जगह के चक्कर में। और चौथी कैटेगरी है जो कि ब्रीड रखना चाहते हैं। तो ये आप इसको आज के बाजार को चार में डिवाइड कर दें। दोज पीपल हु वांट टू अर्न, दोज वांट टू गेट स्टैब्लिश्ड, और उनको हायर सीट चाहिए, हायर अथॉरिटी चाहिए, और तीसरे हैं जो ब्रीड के लिए काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप इसको हाइब्रिड करोगे, थोरोब्रेड डालोगे, तो हाइट बढ़ेगी। थोरोब्रेड 68 इंच तक जा सकता है। तो मारवाड़ी जितना ऊपर जा रहा है, आप साइंटिफिकली देखो, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं हाइट हमने 65 इसकी हाईएस्ट मानी, लेकिन लास्ट में दे विल राइट एन एवरेज ऑफ 62। तो 62 का जो नाप है वो बिल्कुल एवरेज नाप है। 62, 63 रखो, 64 रखो, और घोड़ियाँ आप थोड़ी सी एक इंच कम रखो, लेकिन उसमें जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, जैसे फाइननेस है, इंटेलिजेंस है, उसकी खूबसूरती है, और लंबे समय तक ये बुढ़ा नहीं लगता। जितना एज करेगा वो तो आपको लगेगा रही तो 5 साल का दिख रहा, 20 साल का घोड़ा। इन फीचर्स को अगर रख पाएंगे अपन तो मारवाड़ी वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो नहीं समझ रहे कि हाइट से पैसा है, ऐसा नहीं है। आप अरब को देखिए, 57 इंच का घोड़ा है मैक्सिमम, और 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। आपको ये मिड वेस्ट है, अनसाटा अरब है, कैथरीनॉफ है, इनके घोड़े खरीद के देखो आप। और 57 इंच का ही घोड़ा है, इज नो मोर देन 57 अगर वो रिजेक्ट कर देते उसको। तो अपना ये जो सोच है कि हाइट बढ़ाने से घोड़े की कीमत बड़ा होने से बढ़ेगी, मान्यता गलत है। कुछ घोड़े बड़े होते हैं उनमें डिफ़ॉल्ट है, अब उस डिफ़ॉल्ट को समझो क्यों बड़ा हुआ। कई बार आप अगर देखते हैं कि ज़्यादा गर्म हो गई गाड़ी तो उसको बोलते हैं हीट खा गई, और अगर ठंडी हो गई तो स्टार्ट नहीं हो रही, वैसे ही घोड़े में है। ये डिफॉर्मिटीज़ है, उनको आप समझें। और मेरा ये मानना है, जिनको देखो पैसे कमाने हैं, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। जिसको कोई पोजीशन चाहिए, ही हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंगली। जिसको ब्रीड रखनी है, उसको तो ब्रीड के जो पैरामीटर्स में काम करोगे, और उसकी लाइफ बहुत ऐसा वो सदा बाहर है। मेरे पास अगर कोई घोड़ा है जो कि टाइप जिसको बोलते हैं मारवाड़ी टाइप में फिट बैठता है, मैं किसी भी ज़माने में फेल नहीं होऊंगा। और घर रखूंगा तो मेरे को रोज़ मज़ा तो है ही है। ये बड़े घोड़े हैं, ये आपको मज़ा नहीं दिला सकते। आपको पैसा दिला सकते हैं, किसी को पागल बना के बड़े में भेज दो आप, पर जो चाम है, जो इसकी टाइप में ओरिजिनलिटी में जो चाम है, वो आपको एक बार रख के देखो तो मज़ा आएगा। फिर यू विल नॉट आस्क फॉर अनदर हॉर्स। अगर अपन वर्ल्ड में घोड़ों को कंपेयर करें कि दो जात के घोड़े होते हैं, एक होता हॉट ब्लडेड, मतलब गर्म प्रदेश का, उसकी जगह रहने की जगह गर्म है। एक होता कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब जो घोड़े ठंडी देश में रहते हैं, तो उनकी बनावट में फ़र्क होता है। आप देखिएगा, आज वेस्टर्न राजस्थान में किसी आदमी को देखो तो सफ़ेद कपड़ा मिलेगा, सर पे सफ़ेद अच्छा ढकने के लिए कपड़ा मिलेगा, और यही आप किसी कोल्ड कंट्री में जाओगे आपको थिक कोट मिलेंगे, फाइबर के मिलेंगे, ठंडी नहीं लग जाए। यही भगवान ने घोड़ों में कुदरत से दी है। मारवाड़ी घोड़ा जो गर्म प्रदेश का है, उसकी चमड़ी पतली मिलेगी, उसकी वेंस ऊपर मिलेगी, उसके ऊपर फैट नहीं मिलेगा, छोटा मिलेगा साइड में, चिजल मिलेगा, इंटेलिजेंट मिलेगा, खूबसूरत बहुत होगा, फुर्तीला बहुत होगा, ट्विस्ट टर्न बहुत जल्दी देगा, और वो उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, और काफ़ी लंबे तक मेमोरी अच्छी रहती है। दीज आर डेजर्ट गिफ्ट्स। उसकी एवज में अगर आप जाएँ कोल्ड ब्लडेड में, वो बड़ा घोड़ा मिलेगा, थिक स्किन मिलेगी, उसके ऊपर फैट लेयर मिलेगी, बाल बड़े मिलेंगे, वेंस आपको फैट के नीचे मिलेगी, और काफ़ी देर तक उसको आप वार्म अप कराओगे गर्म होने के बाद, दे आर गुड इन बोथ द थिंग्स, एंड्योरेंस भी है, ताकत भी है, बड़े हैं, उनकी बड़ा होना एक आवश्यकता है।
मारवाड़ी की छोटा होना एक आवश्यकता है, आप समझिए उस चीज को। मारवाड़ी खाना कम खाएगा लेकिन उसका ध्यान सब तरफ रहेगा, और टेरेन का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप आज मारवाड़ रीजन का घोड़ा लाओगे तो वहाँ खेत खुले हैं, उसको दूर तक देखना पड़ता है। और ये ऐसा जानवर है कि इसमें एक झगड़ा चलता है प्रे और प्रेडेटर का, तो अपने जिसकी आंखें सामने होती है वो प्रेडेटर है, अपने को भी ये देखता है शेर चीता है, तो अपने को वो ध्यान से देखेगा, अपन से परहेज करेगा और भागने की रखेगा। तो दे आर वेरी अलर्ट। और इसमें आप देखो मारवाड़ी में क्या घोड़ों में कान का बहुत बड़ा रोल है। रात को स्टेबल में ये घूमता है, एक स्टेबल होता है 15 फुट बाई 25 फुट का, वो रात में लाइट नहीं है लेकिन टच का ही नहीं होता, उसमें कान का बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे कि बहुत डिस्टेंस तक ये कान से समझ जाते हैं, आँख से इनको कम नज़र आता है, और कई बॉडी पार्ट ऐसे हैं जिस एंगल पर इनको दिखता भी नहीं है, लेकिन इनका कान बहुत। इसलिए हम लोग मारवाड़ी में कान पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर आप किसी भी ब्रीड को चेंज करोगे, गोरड़े मारवाड़ी में कोई भी ब्रीड का डालोगे, सबसे पहले कान बिगड़ेगा और उसको सुधारने में वापस 3 जनरेशन लगेगी। किसी फॉल्ट को लाने के लिए 1 जनरेशन चाहिए, किसी फॉल्ट को सुधारने के लिए 3 जनरेशन चाहिए। तो आपके 3 जनरेशन से 3.5 साल में आप एक बच्चा लेंगे तो आपके 12-15 साल चले गए उस एक फॉल्ट को निकालने में। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन ब्रीडिंग। मैं आपको आज अब देखो अपना जीन पूल घटता जा रहा है, लोग बाग ब्रीड कर रहे हैं आपस में नज़दीक। मेरा ये कहना है, मैं आपको एक ब्रीडिंग बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे आप 3 कलर के कोई भी 3 कलर चूज कर लें, एक ब्लैक ले लें, एक वाइट ले लें, एक रेड ले लें। नाउ ब्रीडिंग इज व्हाट, आपने दो ब्रश लिए ब्लैक से, एक लिया वाइट से, एक लिया रेड से, यू विल गेट सर्टन थिंग। अगर आपको बढ़ाना है तो आप उस काले को और बढ़ा दो तो काला बढ़ जाएगा। तो जब अगर आप किसी में 2 बार जीन को 2 बार डुप्लीकेट करते हैं या 2 बार मिलाते हैं तो आपको वो कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आप ब्रीडिंग के अंदर देखिए आपको क्या कैरेक्टर चाहिए, लेकिन इस कैरेक्टर को डालने के लिए काले के गुण भी आपको साथ में आएंगे, अच्छाई भी आएगी और बुराई भी आएगी। सो दिस इज़ इन ब्रीडिंग। अगर आप फादर को डॉटर से मिला रहे हो, दोनों का जीन पूल एक है, उनकी अच्छाई भी आएगी और उनके जो उनकी ब्लाइंडनेस है, वीकनेस है, बोन में डिफ़िकल्टीज है, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ये सब भी आपको मिलेंगे। तो अपन को इनब्रीड नहीं करके लाइन ब्रीड भी करें। अगर आपको कोई कैरेक्टर चाहिए, किसी बाप का आपको चाहिए, उसमें ब्रीड में अगर वो है तो आप 4 जनरेशन अवॉइड कर दें 5वें जनरेशन में। और फिर उसमें देखो आप, अगर वो मदर से और सायर से दोनों साइड से आता है, इट इज़ प्रेफरेबल आप 4 जनरेशन तक इसको अवॉइड करें। फिर 4 जनरेशन में देखें कि वो बाप माँ की साइड में भी है और सायर साइड में भी है, और उसको आप लेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आप लाइन ब्रीड टू एन एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि एक फैमिली दूसरी फैमिली से बिल्कुल कहीं जीन पूल उनका मिक्स नहीं है। व्हेन यू मिक्स दीज आउटब्रेड जीन्स, उसमें एक बोलते हैं हाइब्रिड विगर आता है, उससे घोड़ा बड़ा होगा, आपको बड़ा बड़ा फॉर्म दिखेगा। मारवाड़ी में भी जिसके 5-7 पीढ़ी में वो पेरेंट नहीं है, आप डालोगे तो वो आपको बड़ा मिलेगा। लेकिन जब आप ब्रीड एक बार ब्रीड करोगे, वो 90 मार्क्स का तो उसका बच्चा 80 का, 3rd जनरेशन में 70 का, 60 का। हाइब्रिड विल ऑलवेज कीप ऑन डिप्लीटिंग, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है। और जेनेटिक पूल में आप एक और चीज़ देखिए, कुदरत ने आप मेंडल को पढ़िए या आप टेसियो को पढ़िए, टेसियो वो जो साइंटिस्ट इटालियन था, उसने थोरोब्रेड ब्रीड किए, उसने बोला मैंने बहुत सिंपल घोड़ियों से जो भी आज वर्ल्ड क्लास थोरोब्रेड जो मेरे घर के, ही सेज टेसियो का कहना है कि साहब जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। आप मेंडल को समझिए, आप कितना ब्रीड कर सकते हो, क्या ब्रीड कर सकते हो, क्या पॉइंट्स आप डाल सकते हो, उसको समझ के आप काम करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरे से क्वेश्चन है कि साहब आप मारवाड़ी वर्ल्ड के लिए क्या कहना चाहते हो। मेरा ये कहना है साहब कि इंस्टेड जो नए हैं, जो आना चाहते हैं, वो देखो पैसा कमाने के लिए आए, तो पैसे के लिए बहुत सारे बिजनेस हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी प्लॉट ऑफ लैंड को प्लॉटिंग करके बेच दोगे उसमें भी प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन ये नेचुरल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें जेनेटिक पूल है और ये अपने को भगवान ने गिफ्ट दिए साहब। वी कांट कम्पीट विद अरब, उनके पास बहुत पैसा हो गया।
अपन उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ब्लड जो भगवान ने अपने को जो घोड़ा दिया उनसे भी बेटर घोड़ा दिया आपने। और जैसे एक्सपोर्ट की बात चल रही है, दे विल टेक फ्यू हॉर्स स्टैलियन, बेस्ट स्टैलियन, देन वो आजकल साइंटिफिक वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल AI से काफ़ी प्रोड्यूस कर लेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कर लेंगे, अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेरा सबको यही कहना है कि अपना जो जीन पूल है वो वर्ल्ड क्लास है, आप मेरी बात समझिए, वो वर्ल्ड क्लास है। अपने जितने भी एनिमल्स है, गायें हैं या जो दूसरे जानवर हैं, अपना फूड ग्रेन है, इसको हाइब्रिड से अगर बच जाएंगे, और एक ये बहुत बड़ी साजिश है सॉरी कि आप इसको हाइब्रिड कर दो ये ख़त्म हो जाएगा। अपनी गायें जो है चार चार दिन 40 डिग्री 45 डिग्री में पानी नहीं मिलने पर भी दूध देती है, मरती नहीं है, और अब हाइब्रिड को एक शाम को दूध पानी मत पिलाओ, सुबह मर जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। ये कैपेसिटी अपने को भगवान ने दी है, इसको अपने को बचा के रखना चाहिए। तो जिसको मारवाड़ी का शौक है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, हाइट में नहीं जाए, उसमें नहीं जाए, ओरिजिनलिटी में जाए। अब जिसको पैसा कमाना है वो इसको थोड़ा कम कर ले, थोड़ा दूसरा काम कर ले। जिसको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, कहीं सीट पर बैठना है, बड़ा बनना है, तो घोड़े को मार के नहीं, और किसी रास्ते से कहीं बड़ा अच्छा काम कर ले। और जज बनना है तो जज बनना, जज बन के आप समझदारी करके अच्छे लोगों को गाइड करो, वही जजिंग है। आप रोज़ जज करके एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड टू गो एंड सिट ऑन द डाइस एंड आप माला पहरो, आपको फूल चढ़ाए, फूल ने भी मना कर दिया, आप भगवान के मत चढ़ाओ, कहीं सैनिक के पैरों में आने दो, मेरे को वहाँ फ़ायदा है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि अपन टाइप में ब्रीड करें जो मारवाड़ी की ओरिजिनलिटी, उसको देखें, पैसे को, सीट को, जगह को, अपने लालच को अपन कम करके चलें, और ब्रीड के लिए काम करेंगे, अपने बच्चों के लिए दे के जाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन में अगर ये मटेरियल रहता है इसी फॉर्म में, इससे बड़ी बड़ी गिफ्ट भगवान की कुछ नहीं हो सकती। आपको कंट्री में बहुत कम जानवर है जो आप कह सकते हो इंडिजिनस, ऑल इम्पोर्टेड, बाहर के जो नाम बोलो सब इम्पोर्टेंट, आपका कुत्ता आपका नहीं, आपकी गाय आपकी नहीं, आपका घोड़ा आपका नहीं, फिर क्या आपका। और अभी तो थ्योरी चल रही है कि 20,000 साल पहले, अभी काफ़ी इन्वेजन, अभी गुजरात में रिसेंटली आया, रेड अ पेपर, उसमें बता रहे हैं कि साहब अपने घोड़े हैं और यहीं से बाहर गए आइस एज के टाइम में, उन्होंने लिख दिया पहले, लेकिन दीज आर ऑल आवर हॉर्सेज, वैल्यूबल हॉर्सेज, वी हैव टू लुक इन टू देयर वैल्यू एज एन एनी एज अ प्योर फॉर्म। यही रिक्वेस्ट है साहब।